तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। तो दोस्तों कल आपने गंगा आरती का आनंद लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आज की बात करें, आज हमारा हरिद्वार में दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ परेशानी ज़रूर हो रही है बारिश के कारण। और आज है 29 तारीख, मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा। और अभी हम जा रहे हैं घाट की तरफ, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि भाई कांवड़ यात्रा यहाँ पे शुरू होने वाली है, बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगने वाला है। तो अब हम वहीं आपको घाट पे ले जाते हैं और वहाँ का कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। तो चलिए भाई, ये मार्केट है, यहाँ की मेन मार्केट है यहाँ पे। और इधर से ये हमारे, अगर हम मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बस स्टैंड है इधर की तरफ और रेलवे स्टेशन, तो यहाँ से ये मेन रोड जा रही है घाट की तरफ। तो चलो यार घाट की तरफ चलते हैं और वहाँ का नज़ारा ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं कि सब ने रेनकोट और छाते यहाँ पे लिए हुए हैं, क्योंकि बारिश सुबह से अच्छी खासी बारिश हो रही है भाई यहाँ पे। तो घाट पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या नज़ारा होगा भाई। तो दोस्तों हम घाट पे पहुँच चुके हैं और ये कुछ नज़ारा ऐसा है कि बारिश के बाद भी काफ़ी लोग तादाद में यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। मैं आपको एक बार चारों तरफ से ये नज़ारा ज़रूर दिखाऊँगा। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि भाई बारिश की वजह से भाव काफ़ी तेज़ हो चुका है, तो आप लोग अगर गंगा स्नान कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर ज़रूर करें, सेफ्टी के साथ करें, वो मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि भाव काफ़ी तेज़ है, पीछे से बारिश की वजह से ये भाव बढ़ जाता है अक्सर। और आप देख सकते हैं बारिश के बाद भी यहाँ पर कितनी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और अब क्या होगा कि भाई दिन प्रतिदिन यहाँ पे संख्या बढ़ती रहेगी, कांवड़िया आना शुरू हो चुके हैं हमारे भोले, जिन्हें हम अक्सर देखा करते हैं, हर बार बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगता है। तो आप लोग जो लोग पहली बार हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, ताकि आपको हरिद्वार की हर रोज़ एक नई अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूर दूर तक अगर आप नज़र मारेंगे तो भाई बिल्कुल मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तादाद में ये आए हुए हैं लोग। मैं आप लोगों को यहाँ से पानी का भाव दिखाना चाहूँगा कि कितनी तेज़ है बारिश के बाद, ये देखिए। फिर भी लोग बाग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, लेकिन वो सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, ये चैन जो है ये सेफ्टी के लिए लगाई गई है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर स्नान कर रहे हैं तो ये चैन पकड़ के ही स्नान करें। बहुत तेज़ भाव है, आप लोग आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हर की पौड़ी पे और आप लोग देख रहे हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और आज आपसे मुलाकात कराएंगे कुछ भोलों की, जो कि बहुत बड़ी कांवड़ लेके जा रहे हैं, सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे।